ये जितने भी आपको मैंने इस वीडियो में फिक्स वाले क्वेश्चन बताया, अगर आप ये फिक्स वाले क्वेश्चन ने तैयार कर लो तो आप 70 में 50 बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हो थ्योरी में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों अगर आप क्लास 12 की स्टूडेंट हो तो आज की इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री के पेपर का पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। पोस्टमार्टम मीन्स इस पेपर, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके का पेपर 2020 में आएगा, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे आप तैयारी करोगे और कितने मार्क्स से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ में मैं बताऊंगा जो बच्चे तैयारी नहीं किए वो केमिस्ट्री की तैयारी अब से किस तरीके से करें, काफी मैं आपको इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए स्किप मत करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, जो वीडियोस आते हैं उनको देखो डेली। यहाँ पर रेगुलर वीडियोस आते हैं सभी सब्जेक्ट के, ताकि आप भी 2020 की बोर्ड परीक्षा में 90-95% पाओ, अपना अपने माता पिता का साथ में शुभम क्लासेस का नाम रोशन करो, ठीक है। तो इसलिए मन लगाकर पढ़ाई करो और आते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर आपको रसायन विज्ञान का पेपर मिलेगा, इसमें समय दिया रहेगा 3 घंटे 15 मिनट और आपको पूर्णांक 70 मार्क्स का, ठीक है। 30 नंबर का आपका न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल रहेगा, क्लियर। फिर आपके यहाँ पे प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को परस्पर पढ़ने के लिए निर्धारित है, मतलब 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा कि आप पहले चेक कर लो आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं, क्लियर है। फिर यहाँ पर नोट दिया है सभी प्रश्न अनिवार्य, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं, मतलब जो भी प्रश्न इसमें पेपर में पूछा गया आपको सभी को करना है, साथ में जो प्रश्न जितने मार्क्स का है उसके सामने दिया गया है, ठीक है। अब जो पहला क्वेश्चन आपके पास है यह है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। आपको टोटल इसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, 6 तक यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा और जो भी आपका ऑप्शन सही रहेगा उसको आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक है। ये टोटल आपके रहेंगे बहुविकल्पी प्रश्न, ये रहेंगे आपके एक एक नंबर के 6 प्रश्न, ठीक है। टोटल 6 मार्क्स के आपके बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। फिर जो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका आएगा केमिस्ट्री के पेपर 2020 में, यह रहेगा आपका अति लघु ट्री टाइप का, ये टोटल 3 लाइन से ज़्यादा इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर टोटल अति लघु में 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दूसरे क्वेश्चन में टोटल 4 क्वेश्चन, फिर यहाँ पर देखो तीसरे क्वेश्चन में टोटल 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 2 नंबर वाले 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 16 नंबर के, ठीक है। तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न हो गए 6 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन हो गए अति लघु, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन अभी तक आपके केमिस्ट्री में हो गए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा ये रहेगा 4th क्वेश्चन, ठीक है। 4th क्वेश्चन बेसिकली रहता है लघुत्तरी टाइप का, ठीक है। इसमें टोटल आपके 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये रहेगा आपका 4 क्वेश्चन, 3 × 4 करोगे तो 12 नंबर के हो गए लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन ये भी बढ़ गए, तो 14 + 4 = 18 क्वेश्चन अभी तक हो गए, ठीक है। फिर आपको क्या पूछा जाएगा, 5th क्वेश्चन, इसमें रहेगा बेसिकली आपके टोटल 4 क्वेश्चन देंगे 5वें में भी, ठीक है। यह रहेगा आपका लघु उत्तरी टाइप का, मतलब इसमें 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे रहेंगे, 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका रहेगा लघु उत्तरी पार्ट 2, पहला पार्ट में 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, दूसरे पार्ट में 4 नंबर के, यह भी 4 क्वेश्चन, तो 18 + 4 = 22 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं, ठीक है। अब जो 6th क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 6th टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इसमें बेसिकली क्या रहता है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और इसमें 1 क्वेश्चन में 2 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, अथवा करके, ठीक है, इसी में अथवा बस दिया रहेगा 6th, 7th, 8th में, ठीक है। और 9वें क्वेश्चन, 6th में क्या है, क क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक करना है, क करो या ख करो, दोनों 5-5 नंबर का है, क्लियर है। तो ख क्वेश्चन भी इसमें देखो, इसमें भी आपको ख क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, ये भी 5 नंबर का, ये भी 5 नंबर, चाहे जो अथवा में से कर सको, ठीक है। फिर 7वां में भी 2 ऑप्शन दिया है, क और ख में चाहे जो करो, फिर ख में भी चाहे जो करो, ठीक है। इस तरीके से टोटल आपके विस्तृत उत्तरी प्रश्न के टोटल रहेंगे 5 नंबर वाले 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो 22 + 4 आपको टोटल 26 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, 3 घंटा में आपको 26 क्वेश्चन करने हैं और आपको 70 नंबर का, ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल भी रहेगा, क्लियर है। इस वीडियो को 3 टाइप के बच्चे देख रहे होंगे, जो चाहते होंगे, एक बच्चा चाहता होगा जो सिर्फ पास हो जाए, एक बच्चा चाहता होगा कि उसके 80% आ जाओ और एक स्टूडेंट चाहते होंगे जो उनके 90% ही आए। तो इस वीडियो में तीनों टाइप के स्टूडेंट को मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो आप जिस टाइप के स्टूडेंट हो, जितना मेहनत करोगे आप उतने मार्क्स पाओगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अगर आप चाहते हो सिर्फ पास होना, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ
आपको ये चार चैप्टर फोकस करना है, इन चार चैप्टर में ना आपको ऐसा है कि आप तीन चार बार पढ़ोगे तो ही आपको समझ में आएगा, ये ऐसे चैप्टर हैं, अगर आप एक बार पढ़ लिए अच्छे से तो आपको ये चैप्टर तैयार हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर हैं? पृष्ठ रसायन जिसमें से चार मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जैव अणु 6 मार्क्स के, बहुलक 3 मार्क्स के, और दैनिक जीवन में रसायन 3 मार्क्स के। ये ऐसे चैप्टर है जो क्लास 12 केमिस्ट्री के सबसे ईजी चैप्टर है, ठीक है, क्लास 12 केमिस्ट्री के सबसे ईजी चैप्टर है, और इसमें वही क्वेश्चन आते हैं जो बोर्ड एग्जाम के रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन बैंक से भी इस चैप्टर के क्वेश्चन को तैयार कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो ना कोई नोट्स पढ़ते हो, लेकिन अगर आप क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के लगा लिए तो ये चार चैप्टर आपके तैयार हो जाएंगे, और इस चार चैप्टर से आप 4, 6, 10, 3, 13, 3, 16 मार्क्स बहुत आसानी से स्कोर कर लोगे, ठीक है। ये 16 मार्क्स आप एक वीक के अंदर में चारों चैप्टर ऐसे तैयार कर लोगे कि इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे न लगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो बच्चों को पास होना है सबसे पहले ये चार चैप्टर को आप अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। चार चैप्टर तैयार करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ना ही बहुत ही कठिन चैप्टर है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको न्यूमेरिकल सिर्फ ठोस अवस्था, विलयन, रासायनिक बलगतिक और वैद्युत रसायन, ये चार चैप्टर के न्यूमेरिकल से 12 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो आपको इसको कैसे तैयार करना है, इन चैप्टर्स के जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल दिए हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल दिए हैं और जो बीच में न्यूमेरिकल दिए उसको लगाना है, और जो लास्ट 5 ईयर के न्यूमेरिकल आए हैं इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन पेपर या फिर अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको लास्ट 5 ईयर से जितने भी न्यूमेरिकल इन चार चैप्टर से पूछे गए हैं, अगर आप ये लास्ट 5 ईयर के न्यूमेरिकल और ये एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल दो न्यूमेरिकल लगा लिए तो इसमें से इन चार चैप्टर में से 12 मार्क्स आपके एकदम श्योर होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा किस टाइप के न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे अगर आप 5 साल के लगा लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप 16 नंबर आसानी से स्कोर कर सकते हो और 12 नंबर यहाँ से स्कोर कर लोगे जब आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल लगा लोगे और लास्ट 5 ईयर के न्यूमेरिकल, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर उठती है, आप स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो, आप करना ही नहीं चाह रहे हो, तो जब आप करोगे आप एक एक चैप्टर कंप्लीट करता चलोगे, जैसे आप ठोस अवस्था आज उठाए, आज इसके न्यूमेरिकल 10 न्यूमेरिकल थे, आप 10 लगा दिए तो ये तैयार होते चलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। और दीर्घ उत्तरी की बात करें तो जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है ये टोटल आपके 5 मार्क्स के 4 प्रश्न आते हैं जिसमें और रहता है, ठीक है। यानी अगर पहला क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो आप दूसरा कर सकते हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है ये सिर्फ 4 चैप्टर से पूछते हैं, पी ब्लॉक से 100% श्योर है एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, फिर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से, फिर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से, और बायोमोलिक्यूल से, ठीक है। ये 4 चैप्टर है जिनके आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जितने भी चैप्टर के दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक में और लास्ट 5 ईयर में पूछे गए हैं उनको आप तैयार कर लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न आते हैं उसमें 5×4 20 नंबर आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है, जैसे कि ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के, या फिर हैबर विधि द्वारा अमोनिया का, या फिर अमोनिया के निर्माण की प्रयोगशाला की विधि, या फिर फॉस्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, तो इस तरीके से इसमें ये प्रयोगशाला विधि पूछते हैं, ठीक है। तो आपको प्रयोगशाला विधि वाले जितने क्वेश्चन हैं उनको जरूर तैयार कर लो क्योंकि उससे 5 नंबर आपके फिक्स हैं। फिर आपको पूछेगा कैसे परिवर्तित करें, जैसे बेंजोइक अम्ल से एनिलीन कैसे परिवर्तित करेंगे, या फिर ऑक्सैलिक अम्ल से फॉर्मलिक अम्ल, तो ये टाइप के क्वेश्चन आपको परिवर्तित करेंगे या क्या होता है जब, तो इस टाइप के आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो छात्र देखो जिनको सिर्फ 80+ पाना है वो काम क्या कर सकते हैं, वो प्रयोगशाला विधि वाले सारे क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, वो इन चारों चैप्टर के जो एकदम दीर्घ उत्तरी प्रश्न उन्हें तैयार कर लें, और जो ये मैंने न्यूमेरिकल बताया वो, और ये चार चैप्टर को एकदम अच्छे से तैयार कर ले, ठीक है। और एक बात देखो, जो ये पी ब्लॉक चैप्टर है इनको मैं बोलूँगा आप पी ब्लॉक के एक एक क्वेश्चन को जो भी आपके क्वेश्चन बैंक में या एनसीईआरटी में दिया है उसको तैयार करो, क्योंकि इसमें से 7 नंबर हर साल आता है, ये सबसे ज़्यादा मार्क्स पूछने वाला चैप्टर है, तो इस चैप्टर को आपको ज़्यादा फोकस देना है क्योंकि यहाँ से 7 नंबर आप अगर उठा लिए और 16 नंबर वो जो 4 चैप्टर आपको मैंने बताया, तो 16 और 7 23 नंबर आपका पासिंग मार्क्स यहीं से आप पास हो जाओगे, ठीक है। और जो मैंने न्यूमेरिकल बताया, दीर्घ उत्तरी बताया, तो उससे आप अधिक मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है। हेलो, वेलकम। अगर अब तक YouTube के सबसे नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस का आपने क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें आपको सभी विषयों के नोट्स, वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर पेपर और बचे हुए महीने में आप किस तरीके से सभी विषयों की तैयारी करें सब कुछ बताया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।